सजा न्यूज नेशन का मंच, कटघरे में सनातन के संत। ऑपरेशन पाखंड का बड़ा असर, अनिरुद्धाचार्य जी ने लगाई मुहर। पाखंड से बचना चाहिए, पाखंड जो फैल रहा है चमत्कार के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो गलत है। वायरल बयानों का पोस्टमार्टम, हिंदू हित के लिए सर्वस्व समर्पण। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। बाबा के बयानों पर विवाद, हर सवाल का खुलकर जवाब। मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूँ, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों का पंच इस बार न्यूज नेशन पर मुश्किल मंच। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाबा ये तो ऑपरेशन पाखंड की बात हो गई। हाँ। अब मैं आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, मेरे ऊपर आइए। क्योंकि जो विवाद आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, लोग कथा सुनने आते हैं, आप भगवान के साथ जोड़ते हैं लोगों को, और आपके साथ विवाद जुड़ जाता है, और लंबी फेरिस्त है। तो शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों का जो आपके साथ जुड़ा विवाद है। तो पहला प्रश्न जो बाबा के लिए है, महाराज जी के लिए है, वो जरा स्क्रीन पे लाइए। ये है, भक्तों को अंधविश्वास की राह पर आप ले जाते हैं। ये इल्जाम आपके ऊपर है, आप भक्तों को। इसके लिए मैं इसका प्रमाण भी दिखाता हूँ। ऐसा प्रश्न हमने क्यों पूछा, आप ही के कथा वाचन का एक हिस्सा है, जरा वो सुनाइए इनको। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। तो इल्जाम ये लगा कि गोबर से जो गेहूं मिले उनको आप वापस बेचिए, उसके बाद उनको धोइए, इससे संतान प्राप्ति होती है। यानी साइंस को पीछे कर दिया, गोबर की महत्ता को, अंधविश्वास की राह पर आप लेके जा रहे हैं। इसे आप अंधविश्वास कहते हैं? यदि आप इसे अंधविश्वास कहते हैं तो आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं लोग, क्या वो श्रद्धा है? वो विश्वास है? आज के लोग बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। अरे भाई, आप 100 डॉक्टरों को दिखाइए, जब 100 डॉक्टर मना कर दिए कि आपको बेटा नहीं होगा, तो मैंने कहा कि दिखाओ डॉक्टरों को। इसके बाद जब तसल्ली हो जाए सारे डॉक्टरों से, फिर आखिरी कर लो। राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, कोई संतान नहीं थी, राम के वंश नहीं बढ़ रहा था, तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की। रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी पूरी कथा विस्तार से लिखते हैं। आपने कभी महाकवि कालिदास का रघुवंशम पढ़ा हो तो उसमें आएगी। राजा दिलीप को गौ माता की सेवा करने से पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम था रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा करने से चल सकता है, तो आपका और हमारा वंश भी गौ माता की सेवा से चल सकता है। और डॉक्टरों को दिखाइए 100 बार, जब मना कर दें तो गाय को जौ गेहूं खिलाओ, और गेहूं खिला करके जब वो गोबर गाय के पेट में, जब तक वो दाना रहेगा तो वो एनर्जी से भर जाएगा। गाय कोई सामान्य नहीं है, गाय में शक्ति है। गाय में शक्ति ना होती तो गौमूत्र बाजार में ना बिकता, फिर कुत्ते का बिकता ना। लेकिन आचार्य जी, मैं पूरी बात कर दूं, गाय को गेहूं खिलाइए, फिर जब वो गोबर से बाहर आएगा तो उसे धुल करके, उसे साफ करके, 10 बार साफ करके सुखाओ पिसाओ, फिर भोग लगा के भगवान जी को खाओ, तो निश्चित राजा दिलीप के संतान हुई गौ माता की कृपा से, तो आपकी भी हो सकती है। और आपने तो डॉक्टरों को चेक करा लिया ना, 10 बार 100 बार, फिर आखिरी है नहीं। मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, करिए। हमारे सनातन धर्म में तो ये चला आ रहा है कि जब आप अग्नि जलाते हैं तो पहले अग्नि को भोग लगाते हैं। हाँ। पहली रोटी बनाते हैं तो गाय की बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी माता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो उपाय बता रहे हैं, मैं स्पष्ट करवाना चाहती हूँ आपसे कि आप ये पुत्र प्राप्ति बता रहे हैं, संतान प्राप्ति बता रहे हैं? संतान ही है बेटा, संतान ही है। संतान में चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, आपने कहा कि वंश चलाने के लिए जब सारे डॉक्टर ये ना बता पाए, जनक जी को सीता के नाम से ना जाना जाता है?
तो जनक जी को किसके नाम से जाना गया? जनक जी के बेटे का नाम क्या था आप बता ही नहीं पाएंगे कोई। जनक जी की बेटी सीता, और सीता जी से जनक जी को आज तक सम्मान मिल रहा है और लोग जानते हैं। लेकिन आप तो विज्ञान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, मुझे ऐसा नहीं, क्यों नहीं करते विज्ञान पर पूरा भरोसा? विज्ञान तो हमारे यहाँ पहले था, आज तो कुछ भी नहीं है। विज्ञान तो ऐसा था कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, ये बात आप सबको पता है, साइंस में पढ़ाई जाती है कि विमान कब बनाया, 1903 में सफल परीक्षण हुआ, किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। जबकि सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि 1885 में दलपदे जी ने पहला विमान उड़ा के विमान बना के उड़ा दिया था, ये बात भारत के बच्चों को नहीं बताई गई, वो हम बताते हैं। जो साइंस नहीं बता रहा है वो हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ विमानों का आविष्कार कब हुआ? रावण के पास पुष्पक विमान था कि नहीं, सीता माँ को चुरा के ले गया दशरथ जनक जी, और इनके पहले हमारे यहाँ कर्दम जी हुए जिनके पास कामक नाम का विमान था। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पुरानी है, आज क्या टेक्नोलॉजी है, सब कुछ पहले था। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ है, पहले के लोग आचार्य जी थे, ऐसा लेकिन नहीं। आचार्य जी, लेकिन ठीक है आपने जो उदाहरण दिया वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप चुनौती दे रहे हैं साइंस को? क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, आज ही के दौर में उसी विज्ञान के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है, सैरोगेसी भी होती है, ये कोई नया नहीं है, ये सब हो चुका है, सब कुछ हो चुका। बता दूं, माता देवकी गर्भवती हुई सातवीं बार, माता देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया ना, पता लगा कि गर्भ नष्ट हो गया, जबकि वो बलराम जी थे। आज जो गर्भाधान एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डाला जाता है, ये विज्ञान जो आज का है, ये आज का नहीं, 5,500 साल पहले बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था, ये टेक्नोलॉजी थी 5,500 साल पहले। सजा न्यूज नेशन का मंच, कटघरे में सनातन के संत। ऑपरेशन पाखंड का बड़ा असर अनिरुद्धाचार्य जी ने लगाई मुहर। पाखंड से बचना चाहिए, पाखंड जो फैल रहा है चमत्कार के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो गलत है। वायरल बयानों का पोस्टमार्टम, हिंदू हित के लिए सर्वस्व समर्पण। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। बाबा के बयानों पर विवाद, हर सवाल का खुलकर जवाब। मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूँ, मैं आपको गलत रास्ता दिखा, उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों का पंच इस बार न्यूज नेशन पर मुश्किल मंच। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।